हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने बढ़ते हुए पैटर्न ग्रोइंग पैटर्न पहचानना सीखा। इस वीडियो में हम कुछ दिलचस्प उदाहरण द्वारा बढ़ते हुए पैटर्न ग्रोइंग पैटर्न के बारे में और जानेंगे। चंपापुर में जोर शोर से दिवाली की तैयारियां चल रही हैं। जगह जगह पर रंगोली पटाखे और मिठाई के स्टॉल लगे हैं। बबलू और राजू अपने अपने घरों के लिए वस्तुएं खरीदने मार्केट आए हैं। बबलू अपनी बहन के लिए दिवाली पर एक सुंदर ड्रेस खरीदना चाहता है। राजू ने बबलू से कहा, बबलू, इस ड्रेस की पैटर्न तो बहुत अनोखी है। बच्चों, क्या आप बबलू को पसंद आई ड्रेस के बढ़ते हुए पैटर्न को आगे बढ़ा सकते हैं? आप चाहे तो वीडियो को रोककर इसका उत्तर ढूंढ सकते हैं। यहाँ बबलू को पसंद आई ड्रेस में फूलों का अनोखा बढ़ता हुआ पैटर्न है। पैटर्न एक तीन पंखुड़ियों वाले फूल से शुरू हुआ, फिर उसमें एक चार पंखुड़ियों वाला फूल जुड़ गया। इस तरह हर बार पैटर्न में एक अधिक पंखुड़ी वाला फूल जुड़ता जा रहा है। अब इस पैटर्न को आगे बढ़ाने के लिए हमें कितनी पंखुड़ियों वाला फूल जोड़ना होगा? बिल्कुल ठीक, हमें 6 पंखुड़ियों वाला फूल जोड़ना होगा। बबलू ने वो ड्रेस खरीद ली और राजू और बबलू दिए खरीदने अगली दुकान में पहुंच गए। इस बार बाजार में अलग अलग तरह के दियों की तैयार सजावट मिल रही है। राजू ने उनमें से एक दियों से बनी सजावट देखी और उसे वो बहुत पसंद आई। बबलू ने इस बार राजू का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा, देखो राजू, तुम्हारी दियों से बनी सजावट में भी एक अनोखा बढ़ता हुआ पैटर्न है। बच्चों, क्या आप राजू के दियों से बनी सजावट के बढ़ते हुए पैटर्न के नियम को पहचान कर उसे आगे बढ़ा सकते हैं? शाबाश बच्चों, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। यहाँ दिए की हर रेखा में उसकी पहले वाली रेखा से 2 गुना 2 टाइम्स दिए हैं। इस तरह इस बढ़ते हुए पैटर्न की अगली रेखा में कितने दिए होंगे? 16 दिए। राजू ने ये दिए की सजावट खरीद ली। अब राजू और बबलू अप्पू की दुकान पर मिठाई खरीदने आए हैं। अप्पू के दुकान के सामने इस तरह की सुंदर रंगोली बनी है। बच्चों, क्या आप अप्पू के दुकान पर बने बढ़ते हुए पैटर्न ग्रोइंग पैटर्न की रंगोली को आगे बढ़ा सकते हैं? आपने इस बढ़ते हुए पैटर्न ग्रोइंग पैटर्न को बिल्कुल सही तरह से आगे बढ़ाया है। बच्चों, इस वीडियो में हमने कुछ दिलचस्प उदाहरण द्वारा बढ़ते हुए पैटर्न ग्रोइंग पैटर्न के बारे में और जाना।